नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय कृपा। 2014 में आई मोदी लहर का सबसे बड़ा असर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल अपना दल सोनीलाल के साथ 73 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें भाजपा ने अकेले 71 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 में भी वैसा ही प्रदर्शन रहा, हालांकि भाजपा को यहां पर 9 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन 62 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सीट जीतने एक बार फिर बनी। लेकिन अब की बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा और सबसे बड़ा झटका लगा। 62 सीटों पर 2019 में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में महज 33 सीटों पर 29 सीटें गंवाने के बाद सिमट गई। ऐसे में अगर बात की जाए सहयोगी दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में यहां 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 75 पर उसके चुनाव चिन्ह थे, जिसमें शेष 5 सीटों में एक सीट यहां पर सुभाषपा के खाते में गई, 2 सीट अपना दल सोनीलाल के खाते में और 2 सीट जिसमें भाजपा बागपत और बिजनौर सीट थी वो राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के खाते में गई। ऐसे में जिन 74 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे उसमें से उसे 33 पर जीत और 29 पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा अगर यहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसे एक सीट पर केवल अपना चुनाव चिन्ह दिया वो थी पूर्वांचल की संत कबीर नगर लोकसभा सीट। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित जो यहां पर ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की है, उसमें से एक संत कबीर नगर सीट थी, जहां से संजय निषाद के बेटे जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद ने चुनाव लड़ा। ये सीट यहां निषाद पार्टी के खाते में गई, लेकिन चुनाव चिन्ह यहां पर भाजपा का ही था, लेकिन वहां पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब संजय निषाद बीजेपी आलाकमान से बेहद ही नाखुश नजर आ रहे हैं। दरअसल इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खाते में महज एक गया सीट गई थी और वहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की और सांसद भी बन गए, वो तुरंत बाद ही दिल्ली पहुंच गए NDA गठबंधन की बैठक में एक कैबिनेट मंत्री की मांग मानने के लिए। यानी कि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खाते में एक सीट आई, उसी एक पर उन्होंने जीत भी दर्ज की, पार्टी से एक ही सांसद बना और वो खुद जीतन राम मांझी है जो अब केंद्र के कैबिनेट में मंत्री पद चाह रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं संजय निषाद का भी सपना था कि अपने बेटे प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा दें, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बीजेपी से नाखुश नजर आ रही है। अब माना जा रहा है कि वो बीजेपी से नाता तोड़ करके अखिलेश यादव के साथ भी जाने का विचार बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे SPN 9।